हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बच्चों, इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना हुआ है उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। लेखक के अनुसार यदि भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर के आशावादी होना चाहिए। आज का समाचार पत्रों में जब लेखक देखते हैं कि उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की भरमार है, बहुलता है, तो उनका मन दुखी हो जाता है। इसमें वो पाते हैं कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे होते हैं। इसको देखकर तो ये लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ सब लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। ऊँचे पद पर आसीन व्यक्ति ज़्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को तो इतना बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता है कि उसके सारे गुण छिप जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान अगर कोई बहुत बुरा है तो उसके अंदर गुण नहीं होते हैं, गुण भी होते हैं। हम उनकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। उनके अनुसार गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना तो चिंता का विषय है। लेखक का कहना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ पर आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों का मेल है। ये मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता है। यहाँ पर विभिन्न जाति रूपी बूंदी मिलकर के ही मानव रूपी महासागर बनाती हैं। इसके साथ ये भी है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान हैं तथा फरेब का व्यापार करने वाले लोग उन्नति करते चले जा रहे हैं। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत ये सब बेबसी बनकर रह गई है और जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित होने लगी है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि समाज में जो लोग झूठ फरेब का साथ देते हैं वो फल फूल रहे होते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे होते हैं, वो दुखी और परेशान होते हैं, तो ऐसे में आस्था का हिल जाना तो जाहिर सी बात है, वाजिब सी बात है। भारत वो देश है जहाँ भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता है। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे हुए होते हैं, परंतु उन्हें प्रधान मानकर मन को उनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इन्हें संयत रखने का प्रयास करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही इनका प्रयोग भी करना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, परंतु वर्तमान में इसमें बदलाव आ गया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि धर्म से तो लोग डरते हैं ना, परंतु कानून का अनुचित लाभ उठाते हैं। कहने को तो कुछ भी कहा जाए, पर धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म ही है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल बनाए हुए है। धर्म दबा जरूर है पर नष्ट नहीं हुआ है। आज भी वो मनुष्य से प्रेम, स्त्रियों का सम्मान, झूठ और चोरी को पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं। गलत तरीके से धन या मान संग्रह करने वालों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझता है। आप लोग देखते होंगे ना विभिन्न समाचार पत्रों में या टीवी चैनल पर विभिन्न बुराइयों का पर्दाफाश किया जाता है। लेखक भी मानते हैं कि ये सही है, लेकिन किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए उसका रस या आनंद लेना अच्छी बात नहीं है। वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना चाहिए। अच्छी घटनाओं का भी उजागर करने से दूसरों के मन में अच्छी भावनाएँ बलवती होती हैं। लेखक ने इस संबंध में अपने जीवन में घटित दो घटनाओं का वर्णन भी किया है। एक बार लेखक कहीं यात्रा करने जा रहे थे तो जल्दीबाजी में टिकट लेते समय लेखक ने टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट थमा दिया और गाड़ी में आकर के बैठ गया।
कुछ देर बाद वो टिकट बाबू 90 रुपये लिए हुए डिब्बे में आया और लेखक को पहचान करके 90 रुपये वापस दे दिए। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा दिख रही थी। दूसरी घटना लेखक के जीवन में घटी जब वो सपरिवार बस से यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी आ गई, बस एक जगह सुनसान जगह पर जा कर के खड़ी हो गई। बस के कंडक्टर ने साइकिल उठाई और चलता बना। इससे लोगों को ये शंका होने लगी कि इस सुनसान जंगल में बस का खड़े हो जाना और कंडक्टर का बिना कुछ बताए चले जाना क्या हो सकता है। संदेह और भय से त्रस्त लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। इससे 2 दिन पहले ही यहाँ डकैती की बात भी सुनने में आई थी। लेखक सपरिवार थे, बच्चे उनके पानी चिल्ला रहे थे, परंतु वहाँ पे कोई पानी भी उपलब्ध नहीं था। तो कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया कि उनका ये मानना था कि शायद इन लोगों का अपनी कोई योजना थी, क्योंकि कंडक्टर ने कुछ बताया नहीं था और ड्राइवर चुपचाप बैठा हुआ था। तो लोग जो है सोचे कि लाओ ड्राइवर को बंधक बना करके रख लेते हैं और उनको पीटते हैं। और यह भी मानना था उनका कि ऐसा तो नहीं कि बस कंडक्टर डाकुओं को लेकर आता होगा, तो हम ड्राइवर को यहीं पर मार देंगे। इस बीच में 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल भी थे। लेखक की पत्नी अलग परेशान थी। लेखक ने ड्राइवर को पीटने से बचा तो लिया, परंतु वो भी घबराए हुए ही थे। तभी लेखक ने देखा कि कंडक्टर बस अड्डे से एक खाली बस लिए हुए चला आ रहा है। उसने आते ही कहा कि बस चलने लायक नहीं थी, अब आप लोग इस बस में बैठ जाइए। और कंडक्टर अपने साथ लोटे में पानी तथा लेखक के बच्चों के लिए भी दूध भी लेता भी आया था। सब ने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। बस इस तरह अपने गंतव्य तक पहुँच गई। यानी कि इन घटनाओं से लेखक ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे समाज में धोखा दिया जाता है, विश्वासघात किया जाता है, इस तरह से बुरी घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन ऐसा सोच करके हम अच्छे लोगों पर अविश्वास कर लें ये तो उचित नहीं है। लेखक ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि कई बार वो ठगी और धोखे का शिकार हुआ है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन उनका मानना है कि कष्टकर चीज़ों का हिसाब रखने से तो जीवन भी कष्टकर हो जाएगा ना। कई बार लोगों ने उनकी अकारण सहायता भी की है, उनके निराश मन को दिलासा और हिम्मत भी प्रदान की है। इसलिए लेखक कहते हैं कि कभी भी हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा था कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। होता क्या है, जब हमें धोखा मिलता है, हमारे साथ बुरा होता है, तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। लेकिन टैगोर जी कहते हैं कि नहीं, हमें इतनी शक्ति दीजिए या मनुष्य को इतनी शक्ति दीजिए कि वो आपके ऊपर संदेह ना करे। अंत में लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई नीतियाँ यदि गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अभी भी उन्नति और विकास के रास्ते खुले हुए हैं। बस मनुष्य को निराशा हटा करके आशा को अपना करके उस रास्ते पर चलना है। धन्यवाद।